नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज की कहानी सत्ता के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे एक ऐसे व्यक्ति की है जो खुद को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक कहलाना पसंद करता है। विरोधी भले ही इसे एक जुमला कहें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये उनका दायित्व है। हम अगर बात करें तो आज की तारीख में देश के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई हैं तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं। इंडिया टुडे सर्वे इस बात की तस्दीक भी करता है। और लोकप्रियता की इन्हीं चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भाई बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां। ये साचा बोलो सर, इन्हा में कोई कूड़ कपट नहीं। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। जीवन का बहुत सौभाग्य होता है माँ के आशीर्वाद, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। 2014 के चुनावों का ऐलान हुआ तो मोदी लहर की खूब चर्चा हुई, किसी ने खंडन किया, किसी ने मुहर लगाई। लेकिन इस लोकप्रियता के बीच नरेंद्र मोदी को लेकर इतनी किताबें छपी, इतने कॉमिक बुक्स छपे कि उनके किस्से बच्चे बच्चों की जुबान पर आ गए। लेकिन आज की कहानी में हमने चंद ऐसे किस्से ढूंढ कर निकाले हैं जो मुमकिन है आप नहीं जानते होंगे। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक आशीर्वाद से। जो आग मेरे दिल में है वही आग तुम्हारे दिल में। चारों तरफ भारत का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छी सोच वाले लोग जब सरकार में होते हैं कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। विकास विकास और विकास, ये भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े। कहते हैं ताकत सियासत का संतुलन साधती है। अगर ये सच है तो 66 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी इसके जीते जागते नायक की तरह उभरते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रचंड बहुमत की सत्ता से लेकर सियासत का जोर ऐसा कि एक बयान से बाजी पलट जाए। जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। मोदी की शख्सियत में धाक और धमक ही कुछ ऐसी है, मगर निजी जिंदगी में कहानी ऐसी धमाकेदार नहीं। मोदी तो अपना जन्मदिन भी पारंपरिक धूमधाम से मनाने में यकीन नहीं रखते। चाहने वालों ने आयोजन कर दिया तो उसमें शरीक भी बड़ी मुश्किल से होते हैं, जैसे आखिरी बार 2013 में हुआ था। समर्थकों के आयोजन में मोदी तो शामिल हुए, मगर इस हैरानी के साथ कि मुख्यमंत्री तो वो 12 साल से हैं, मगर सार्वजनिक तौर पर जन्मदिन पहली बार मन रहा है। अभी एक स्लोगन लेते हुए चाहिए कि अहमदाबाद को भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मजबूत बना रहे हैं तो ये भी एक सफाई का रखें। आपकी बात सही है, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। और इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, जब किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो गुलदस्ते देते हैं, मैं कहता हूँ भैया बुके नहीं बुक। जश्न से अलग निजी तौर पर मोदी को अपना एकांत पसंद है। अपने मौन में मुखर होते हैं, मंच पर जोरदार भाषणों बयानों से बिल्कुल अलग। ये गरीबी का अपमान है कि नहीं अपमान? इसी अंदाज में उम्र के 66 साल गुजर गए, मगर जन्मदिन के लिए एक रवायत नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर बरकरार रखी है। रिवाज खुशी के हर मौके पर माँ से आशीर्वाद लेने का, ये रिवाज भी तब सुर्खियों में आया था जब मोदी प्रधानमंत्री चुने गए थे। मीडिया की भीड़ और कैमरे के सामने माँ और बेटे का वो भावुक लम्हा पहली बार दुनिया के सामने आया था। तब मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले माँ से आशीर्वाद लेने गए थे।
मोदी कहते भी हैं, जिंदगी के संघर्ष में ये आशीर्वाद उनके लिए बड़ा दिव्य रहा है। नरेंद्र मोदी माँ के साथ नहीं रहते, लेकिन जिंदगी ने उन्हें जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी उसे माँ के आशीर्वाद से ही शुरू किया। बेटा सियासत में कामयाबी की बुलंदियां छूता गया। माँ की ममता दूर से भी बेटे पर आशीर्वाद की तरह बरसती रही, तब भी जब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी पर मोदी की आंखें छलक गईं। जैसे भारत मेरी माँ है, वैसे ही भाजपा भी मेरी माँ। ये बहाव शायद इसलिए भी कि माँ के दामन से मोदी के भाग्य की डोर उनके बचपन की ना जाने कितनी कही अनकही कहानियों में बंधी है। वो कहानियां सियासत में शोहरत के इस मुकाम पर भी मोदी के जहन में झलकती हैं, तो बस वो माँ ही याद आती है। कोई और मौका हो या ना हो, मोदी अपने जन्मदिन पर माँ के साथ ही होते हैं। माँ पारंपरिक तौर पर टीका लगाती है, मुंह मीठा कराती है और बचपन की तरह जेब में सगुन के पैसे भी रखती है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए बे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। उस माँ की दास्तान सुनाते सुनाते मोदी की आंखें छलक पड़ती हैं। सार्वजनिक तौर पर ये फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के साथ बातचीत में दिखा था। तब तक जकरबर्ग भी सुन चुके थे मोदी अपनी माँ से कितना लगाव रखते हैं। उस दिन माँ से जुड़ाव की वजह पूछ ली, तब मोदी की आंखें बरबसी छलक पड़ी। I understand that your mother is very important in your life, so I'm hoping that you'll tell us a bit about her. आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। मोदी की सख्त शख्सियत और आक्रामक अंदाज के पीछे आंसुओं की ये दास्तान बहुत कुछ कहती है। वो कहानी जो दुनिया कम ही जानती है, मगर मोदी जानते हैं यही वो माँ है जिससे किसी ज्योतिषी ने एक बार कहा था, हीरा बने तुम्हारा छोटा बेटा एक दिन बड़ा नाम करेगा। आत्मा थी अंदर आत्मा ही बोलियो तो ये पहचान बनवानो आकी सस्ती नो राजा बनवानो बनवानो न बनवा। माँ का दिल था, कहता था बेटा बड़ा होकर खूब नाम कमाएगा, लेकिन इसे वो दिल में ही रखती। उन्हें डर लगता कहीं किसी की नजर न लग जाए, और ये सच भी था क्योंकि उस वक्त ये एक बड़ा सपना था हकीकत से कोसों दूर। तुम्हारा बेटा नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी पुत्र है, देखना बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। ये बाबूजी केतली में चाय निकाल दो, ट्रेन आने वाली है। नरेंद्र मोदी और चाय बेचने की ये कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। ज्यादा तेज नहीं भागना, नहीं तो दोनों गिर जाओगे, चाय भी और तुम भी हैं? ये ले। वडनगर रेलवे स्टेशन पर तब 10-12 साल के नरेंद्र पिता दामोदर दास मोदी की चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे। अरे सांबर नरेंद्र। स्कूल के बाद खाली वक्त में नरेंद्र मोदी भाइयों के साथ चाय बेचते थे। अरे आ भी गए तू? तब चुनौती होती थी, जो जितनी तेज दौड़ेगा, जितनी फुर्ती दिखाएगा, उतनी ही ज्यादा चाय की प्याली बेच पाएगा। मोदी की जिंदगी में तेजी और फुर्ती की कहानी उसी रेलवे स्टेशन और चाय की प्यालियों के साथ दिखनी शुरू होती है। ये बात तब पिता दामोदर दास ने भी नोटिस की थी, लड़का छोटा है मगर दौड़ता बड़े भाइयों से भी तेज है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी, एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मोदी की जिंदगी में चाय की वो कहानी बरसों तक गुमनाम रही। वो दिन ही ऐसे थे, गरीबी और कड़ी मेहनत वाले मुश्किल दिन। हालांकि उस हाल में भी पिता दामोदर दास को अपने तीसरे बेटे नरेंद्र की होनहारी पर कोई शक नहीं था, क्योंकि उसकी फितरत तभी दिखने लगी थी, बड़े काम सोचना और उन्हें पूरा कर दिखाना। बस चिंता एक ही बात की थी। अरे जा नरेंद्र, ये ले अपना बस्ता और स्कूल जा, घंटी बज गई है। और सुन,
अच्छे से पढ़ना। ठीक है बाबूजी, मैं अच्छे से पढ़ूंगा और आपका और माँ का नाम रोशन करूंगा। सरस सरस सरस, जा जा जल्दी। और सुन, दोपहर को इधर ही है ना? ठीक है बाबू, आओ जे। नरेंद्र का मन पढ़ाई लिखाई में कम ही लगता था। अपनी साइकिल उठाकर स्कूल तो वो रोज जाता, लेकिन स्कूल जाकर टीचर से कम अपने मन की ज्यादा पढ़ता था। कई बार तो वो बीच क्लास से उठकर चल देता। तलाश शुरू होती तो नरेंद्र स्कूल के लेबोरेटरी या लाइब्रेरी में पाए जाते। साइंस में दिलचस्पी के साथ नरेंद्र मोदी की एक और आदत थी, दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों की जीवनी पढ़ना। स्कूल के दिनों में मोदी ने किताबें तो तमाम लोगों की पढ़ी, मगर सबसे ज्यादा प्रभावित किया विवेकानंद ने। उनसे जुड़ी किताबों का असर मोदी आज भी अपनी शख्सियत पर पाते हैं, मगर तब उसकी गहनता ने किशोर होते मोदी को गहरे पसोपेश में धकेल दिया था। पढ़ाई लिखाई के बाद नरेंद्र का मन घर गृहस्थी के कामों से भी उचटने लगा। काम बाहर का हो तो उसका उत्साह देखते ही बनता था। 15 साल की उम्र में मोदी जिस तरह 1965 में पाकिस्तान से जंग में सीमा पर जा रहे जवानों का हौसला बढ़ाते, ट्रांजिट कैंप में घायल फौजियों की सेवा करते, वो आदत तो अच्छी थी मगर घर की हालत नहीं। घर का काम ना पूरा हो तो खाने को भी ना मिले, समाज सेवा तो बात की बात है। तब पिता दामोदर दास बेहद चिंतित हुए थे। मोदी तब तक आरएसएस की कार्यशालाओं में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे थे। आप सार्वजनिक जीवन में सालों से जिन विचारों को लेकर के, जिन आदर्शों को लेकर के काम करते हैं, आपके दिल में भी कहीं न कहीं देश की भलाई करने की इच्छा पड़ी है। आपके भीतर जो अच्छाइयां पड़ी है उसको भी हम जोड़ना चाहते हैं, ताकि हमारे भारत का भला करने में हमें और ताकत मिल जाए। एक कुशल प्रशासक की तरह सख्त अनुशासन की झलक संघ की उन्हीं कार्यशालाओं में दिखी थी नरेंद्र मोदी के अंदर। वो अनुशासन, दृढ़ निश्चय और गंभीर सोच उन्हें संघ के दूसरे स्वयं सेवकों से अलग करती थी। 60 के दशक में उस नौजवान का उत्साह आरएसएस के तत्कालीन सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर से भी छिपा नहीं था। तब ये तय बात लगने लगी थी कि नरेंद्र को संघ में जरूर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन पिता दामोदर दास मोदी के ख्यालात तो कुछ और ही थे। सामाजिक कामों में बढ़ती दिलचस्पी के बीच पिता ने 17 साल के मोदी की शादी तय कर दी। उनके विरोध के बावजूद शादी भी हो गई, लेकिन मोदी ने तो घर ही छोड़ दिया। मोदी बिना किसी को बताए ही हिमालय भ्रमण पर निकल गए। तुम वापस क्यों आ गई? जहां आप रहेंगे वही तो रहूंगी ना। देखो, मेरा खुद का ही कोई ठिकाना नहीं। आज यहां हूं, पता नहीं कल कब कहां रहूंगा। आप जहाँ जाएंगे मैं पीछे पीछे आऊंगी। मुझे देश की सेवा करनी है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मैं बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ, बड़ा बनने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से, एक चाय की दुकान से। लेकिन उनका संघर्ष उन्हें एक ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहां पर संघ से लेकर सियासत तक के महारथी उनसे पिछड़ जाते हैं। उनकी कहानी दरअसल एक ऐसी इच्छा शक्ति से बुनी हुई है जो उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर काबिज होने के बाद मां के चरणों में समर्पण। तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। 60 पार की उम्र में भी मां का यह लगाव और बेटे का यह जुड़ाव किस कदर है। ये कहानी भी आम है कि मोदी अपनी हर कामयाबी के बाद आशीर्वाद लेने माँ के पास जाते हैं। मोदी कहते हैं इससे उन्हें ताकत बड़ी मिलती है। ये जीवन का बहुत सौभाग्य होता है माँ के आशीर्वाद, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। और इस ताकत की कहानी ये कि मोदी की जिंदगी में वो माँ ही हैं जो हर कदम पर उनके संघर्ष की गवाही देती रही है। 17 साल की उम्र में जब उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया, तब परिवार में विरोध के बीच मां ही थीं जिन्होंने बेटे के माथे पर तिलक लगाकर विदा किया था। जैसे मां को अंदाजा था जिंदगी के इस भटकाव में ही अपनी मंजिल का पता ढूंढेगा बेटा। वो दिन गुर्बत के थे और सियासी हलचल के थे। साल था 1974। तब
24 साल के युवा नरेंद्र मोदी संघ की शाखाओं से जुड़ चुके थे। 1972 में उन्हें संघ प्रचारक के तौर पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा भेजा गया था, मगर जय प्रकाश नारायण के उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी उनके लिए निर्णायक साबित हुई। आपातकाल के विरोध में युवा मोदी की सक्रियता को देखते हुए उन्हें गुजरात राज्य लोक संघर्ष समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। वो भूमिका मोदी ने 2 साल तक अंडरग्राउंड रहकर निभाई थी। युवा मोदी की जिंदगी में विरोध और सियासत की ताकत का ये पहला अनुभव था। उसके बाद ओहदे बदलते गए और उसके साथ सियासी ताकत का अनुभव भी। 1980 के दशक में नरेंद्र मोदी जब गुजरात बीजेपी में शामिल किए गए, कुछ साल में ही संगठन सचिव बनाए गए, तब किसे अंदाजा था ये पार्टी के तमाम धुरंधरों के बीच वो युवा गुजरात की कमान संभालने वाला है। भारत ना सार्वभौमत्व नु अने अखंडता नु समर्थन करी पार्टी के उस उभरते रणनीतिकार को पहली कमान मिली रथ यात्राओं की। मुरली मनोहर जोशी की रथ यात्रा के बाद मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूमिका उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा के सारथी के तौर पर मिली। राम मंदिर आंदोलन के बाद आडवाणी अगर देश के सियासी मंच पर चमके तो रथ यात्रा की कामयाबी के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी के अंदर सबसे काबिल नेताओं में गिने जाने लगे। इतने पॉपुलर कि शंकर सिंह बघेला जैसे उनके सियासी गुरुओं को भी रश्क होने लगा। होता भी क्यों नहीं, 1995 के गुजरात चुनावों में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी को जो जीत मिली इसमें बड़ा श्रेय मोदी को मिला। मोदी के सियासी सफर में सत्ता की ताकत का यह पहला अनुभव था। मगर सत्ता के उस करीबी अनुभव के बाद मोदी की जिंदगी में शुरू होता है एक वनवास। दरअसल वो मोदी का दिल्ली प्रवास था जो शुरू होता है 1998 के मध्यावधि चुनाव से। इस चुनाव में भी जीत बीजेपी को मिली और श्रेय भी मोदी के संगठन और युवाओं के बीच काम को। मगर केशु भाई पटेल सीनियर थे लिहाजा मुख्यमंत्री भी वो बने, लेकिन तब तक मोदी की महत्वाकांक्षाएं भी सिर उठाने लगी थी। पार्टी में आलाकमान ने उन्हें दिल्ली बुला लिया, संभवतः बघेला विद्रोह के बाद पार्टी को एक और फूट से बचाने के लिए। दिल्ली बुलाने के बाद मोदी को बीजेपी का महासचिव बनाया गया था। जिम्मेदारी मिली जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में संगठन को मजबूत बनाने की। मोदी ने यह काम बखूबी किया, लेकिन उनकी नजर गुजरात पर जमी रही। 1999 में जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो पार्टी आलाकमान ने गुजरात में चुनावी रणनीति की कमान मोदी को सौंपी। गुजरात की राजनीति में मोदी की ये नए सिरे से एंट्री थी। वो मोदी पीएम उम्मीदवार के तौर पर सबसे बड़ी जीत के हकदार बने तो केशुभाई पटेल के पांव छूते नजर आए, लेकिन 1999 के उस दौर में बात कुछ और थी। मोदी केशुभाई की कार्यशैली के सख्त खिलाफ थे और इसका प्रचार प्रसार भी खूब करते थे। 2001 के उपचुनावों में वो मतभेद खुलकर सामने आ गए। उसने मेरे खिलाफ बहुत ही केंद्र के हमारे नेताओं के कान को भरा, ये किया है। वास्तव में टीवी वालों को भी उकसा उकसा करके, वो जब भूकंप आया था, जाओ वहाँ काम होता नहीं, ये नहीं होता। मैं जब राज्यसभा का सदस्य था तो 3-4 टीवी वाले ने मुझे बताया, कहा भी कि हमको भेजते थे। उस चुनाव में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केशुभाई पटेल ने इस्तीफा दे दिया। तब मुख्यमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी से बड़ा गुजरात में कोई दावेदार नहीं था, ये खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी लगने लगा। देखिए आश्चर्य होगा कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था और मैं श्मशान में, आज तक के हमारे कैमरामैन गोपाल की श्मशान यात्रा में था। गुजरात वालों ने उनको जरूर कंसल्ट किया होगा, मुझे तो विधायक दल ने मिलकर के निर्णय करके बता दिया। देश ही नहीं दुनिया भर के सर्वेक्षण कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता है। बचपन के संघर्ष से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर आपने देख लिया, अब देखिए आगे की कहानी। मैं बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ, बड़ा बनने के लिए।
ये बात मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कह रहे थे। एक सभा में बता रहे थे कि सत्ता की कुर्सी खुद को बड़ा बनाने के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए हासिल की जाती है। तब इसकी मिसाल उन्होंने गुजरात की दी थी जिसकी गद्दी ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया। मगर इससे पहले तय ये कि उनसे पहले उनका गुजरात देश के बड़े राज्यों से भी बेहतर बने। कुछ आलोचनाओं और नाखुशी के सुरों को छोड़ दें तो ये विरोधी भी मानते हैं गुजरात अगर विकास का मॉडल बना देश के दूसरे राज्यों के लोग भी इसमें अपने सपने देखने लगे तो ये कमाल मोदी के शासन का ही था। तब मोदी ने भी ये नहीं सोचा था ये कमाल उन्हें प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार बनाएगा। नरेंद्र मोदी गुजरात जैसे राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद भी केंद्र की राजनीति से कोसों दूर माने जाते थे। वो मोदी 2014 के आम चुनाव की धुरी बन गए ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सियासत की एक ऐसी सिलसिलेवार हकीकत है जिसे देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। कहां से चलकर मोदी कहां तक पहुंच गए जुड़ जाए और राज्य दिल्ली से जुड़ जाए ऐसा नेटवर्क बनाना है। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को उम्मीदवार बनाने की बात हुई तो खबरें आई लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सीनियर नाराज हो गए। पार्टी में दूसरी कतार के भी कई नेता इस फैसले से असहमत दिखे। दलील ये दी गई कि अगर मोदी को पीएम बनाने का आधार गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री चुना जाना है तो इसके उदाहरण शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री भी हैं, फिर मोदी ही क्यों? इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं मिला तो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू 17 साल का गठबंधन तोड़कर अलग हो गई। हालांकि चुनाव प्रचार शुरू होते होते नरेंद्र मोदी ने अंदरूनी विरोध के तमाम सुरों को साथ दिया था बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी और आक्रामक प्रचारक के रूप में भी। क्या इस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? क्या इस देश का किसान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? चाय बेचने वाला भी मोदी का वो धुआंधार प्रचार दुनिया देख रही थी। हिंदुस्तान की राजनीति में एक मुख्यमंत्री की चुनावी दहाड़ सबसे ऊंची कुर्सी के लिए सुनाई दे रही थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मोदी से पहले मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और HD देवगौड़ा जैसे नेता मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे मगर मोदी के मामले में फर्क साफ था। पहले के तीनों मुख्यमंत्री गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री बने थे मगर मोदी के साथ पहली बार एक मुख्यमंत्री के नाम पर देश का आम चुनाव लड़ा जा रहा था। गरीब परिवार में पैदा हुआ और गरीबी में पला हूं। ये तो वाकई कमाल था। इस भूमिका में मोदी जैसे अपना ही जुमला पूरी तरह चरितार्थ कर रहे थे कि मैं तो बड़ा बनने के लिए पैदा हुआ हूं। तब किसे पता था देश की सियासत पर कभी मौन ही रहने वाला मुख्यमंत्री अपनी जुबान से सियासत की कौन सी रवायत बदलने आया है। ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अब शुरू हो रही है। विरोध और आलोचनाओं के बीच मोदी की धुआंधार रैलियों, सभाओं और यात्राओं की धमक ऐसी हुई कि पूरे देश में लहर चल पड़ी। पार्टी में भी कद ऐसा बढ़ा कि अब कोई भी मोदी से असहमति की कतार में खड़ा नहीं दिखा। पीएम उम्मीदवार के रूप में करीब 500 रैलियों के साथ न ऐसा जोश-खरोश पहले कभी दिखा था और न ही 3 दशकों के सियासी इतिहास में ऐसा चुनावी नतीजा। मोदी 2014 के चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला मगर वो जीत मानी गई प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी की। इसके साथ सियासत की तमाम कहावतें बदलनी थी, रवायतें बदलनी थी। मोदी का अंदाज था ही इतना असरदार कि आधी बाजू का कुर्ता और हाफ जैकेट मोदी ड्रेस के रूप में मशहूर हो गई। इस रूप के साथ तस्वीरें उन गलियों दफ्तरों की भी बदलनी थी जहां 15 साल पहले तक गुमनाम से रहा करते थे मोदी। एक दोस्त सांसद के आवास पर एक छोटा सा कमरा और उसी से संचालित होती मोदी की दिनचर्या। तब
मन के किसी कोने में प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री तक बनने का सपना नहीं था, मगर सियासत के उसूलों और अनुशासन की शिद्दत ऐसी ही थी। साफ सुथरे और सधे अंदाज में रहना नरेंद्र मोदी की ये आदत पहले भी थी। सबसे ज्यादा टिपटॉप स्मार्ट कपड़ों से, चश्मे से, पेन से, वेशभूषा से आप ही रहते हैं। सबसे रहता हूँ ऐसी बात है तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं रहना चाहता जरूर हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से रहना चाहिए। पार्टी की संस्कृति के थोड़ा विरुद्ध तो नहीं है? मैं क्योंकि सादगी जो है पार्टी में बड़ा जोर है। मैं मेरे शरीर पर कोई भी चीज आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मैं बचपन से आदत नहीं है। लेकिन मैं मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की है, कभी नहीं की। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं होती है, लेकिन मैं साफ सुथरा धोया हुआ प्रेस किया हुआ पहनना मुझे अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुन लिए गए, ऐसा पहली बार हुआ था हिंदुस्तान के इतिहास में कि कोई गैर कांग्रेसी उम्मीदवार इतने प्रचंड बहुमत से चुनकर आया हो। इससे उनकी सियासत बदली तो उनकी निजी जिंदगी भी। जाहिर है सबसे बड़े ओहदे के साथ जिंदगी बदलनी थी। इसे देखते हुए कुछ बदलाव तो खुद नरेंद्र मोदी ने ही किए। इसमें सबसे मशहूर रहा उनका लिबास, इसके साथ उनका अलग अलग अंदाज। मोदी का एक बदलाव खादी कुर्ते और जैकेट के साथ पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, तो नरेंद्र मोदी लिखे एक सूट के साथ एक बदलाव विवादों में भी घिरा। अगर इसे भी साधने का अंदाज मोदी का अनूठा है। वो कोट गुजरात के एक प्रशंसक ने बनवाया था, उसकी फौरन नीलामी हुई और उससे मिली करीब 4.5 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा दी गई। ये बात सियासत में एक मिसाल बनी तो मोदी के अंग्रेजी भाषण चर्चा का विषय। इंजन ऑफ प्रोग्रेस, द मेगा कॉर्पोरेशंस ऑफ टुडे वेर स्टार्टअप। ये बदलाव मोदी ने रोजाना के कामकाज के बीच बड़ी मेहनत के बाद किया। नरेंद्र मोदी को किताबें पढ़ने की आदत तो स्कूल के दिनों में ही लग चुकी थी। सियासत में आने के बाद उसके विषय भले ही बदलते रहे, आदत पढ़ने लिखने की जस की तस थी। इसी आदत की बदौलत पीएम बनने के बाद मोदी के भाषण हिंदी की तरह अंग्रेजी में भी धारा प्रवाह होते गए। आई एम ऑनर्ड टू लॉन्च द भारत फंड टुडे विच स्टैंड्स नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर बेटर हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एंड टेक्नोलॉजी। विदेशी दौरों से लेकर मीडिया से बातचीत में मोदी उन्हीं की जुबान में अपना पक्ष सहज तरीके से रखते दिखे। ऐसे मौकों पर मोदी की एक और बात खास तौर पर नोटिस की गई, उनकी चुस्ती, फुर्ती और फिटनेस। मोदी की जिंदगी में ये बात ऐसी थी, पीएम बनने के बाद भी नहीं बदली बल्कि और भी सख्त अनुशासन के साथ बढ़ती चली गई। राजनीतिक माथा पच्चियों और सरकारी कामकाज के बीच मोदी की निजी दिनचर्या तंग कर देने वाली है। सुबह उठते ही अहाते में सैर, योग और कसरत करना कभी नहीं भूलते मोदी। उसके बाद खान पान में भी वही संयम, चाहे देश हो या विदेश दौरा, मोदी का आहार सादा होता है। मोदी निजी तौर पर बजरंग बली में आस्था रखते हैं, दुर्गा की आराधना के लिए शक्ति की साधना करते हैं। मोदी साल के दोनों नवरात्र में उपवास पिछले 40 साल से करते चले आ रहे हैं। ये साधना सियासी जिंदगी बदलने के बाद भी नहीं बदली मोदी के भीतर।
आज 32 साल हो गए मोदी निजी तौर पर पार्टी को यही दर्जा देते आ रहे हैं। आज भले ही उनका दर्जा पार्टी से भी बड़ा है, मगर इसका समर्पण मां के साथ बेटे वाला ही है। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की कहानी। संघर्ष सध गया, सियासत सध गई, देश के सर्वोच्च पद पर बैठने का सपना सच हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि दुनिया के कोने कोने में कैसे वो अपनी लोकप्रियता ले जाते हैं। दुनिया के किसी भी नेता से उनकी मुलाकात होती, वो दिखाते कि कैसे बातचीत बराबरी पर जाकर की जाती है। तो मैं कोई स्लोगन वगैरह देने का मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, नहीं मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ये सरकार गरीबों के लिए है, ये सरकार किसानों के लिए है, ये सरकार बेरोजगार नौजवानों के लिए है, ये सरकार मेरी माताओं बहनों के सम्मान के लिए है। ये और बात है, प्रधानमंत्री की पारी में नरेंद्र मोदी के जुमले बहुत मशहूर हुए। अब जुमलों की कुछ बातें कई बार सियासी बहस मुबाहिसे की भी वजह बनी, मगर मोदी के लिए ये अपना अंदाज़े बयान, किसी भी मसले पर तीन शब्दों में साधने की अदा। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। इस अंदाज के साथ मोदी देश के अंदरूनी मसलों के साथ विदेश राजनीति में भी सुर्खियां बटोरते हैं, और उनके जुमलों को दुनिया के बड़े नेता भी बड़े गौर से सुनते हुए दिखते हैं। ये तस्वीर इसी साल के G20 सम्मेलन की है, जिसमें मोदी अपने अंदाज में आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता के सबसे असरदार पैरोकार बनकर उभरे। इन द फेस ऑफ ग्रोइंग ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन इज ए की इमर्जिंग पिलर ऑफ आवर रिलेशनशिप। राइजिंग एक्सपोर्ट ऑफ टेरर, ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन थ्रू आइडियोलॉजी ऑफ हेट्रेड and spread of extreme violence define the landscape of common security threats to our society. मोदी के उस एक बयान से पाकिस्तान पूरे सम्मेलन में बेजुबान हो गया, तो चीन बगले झांकने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा तो खैर मोदी के इस अंदाज के मुरीद हैं ही, दोनों के दोस्ताना मेल मिलाप की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। दुनिया के मंच पर शक्ति का नया संतुलन भी हिंदुस्तान के पक्ष में बनता है। ये वही मोदी थे जिन्हें प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका उन्हें अपना वीजा मंजूर करने तक को राजी नहीं था। उनके लिए ओबामा जैसे राष्ट्रपति अपने प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं कर रहे थे। तब अंदाजा भी किसे था, इस मुलाकात में भारत अमेरिका के संबंधों का इतिहास बदलने की भूमिका तैयार हो चुकी है। ओबामा पहले भी भारत आए थे, मगर मोदी के नियोते पर बात कुछ और हुई। आपसी रिश्तों में सुधार और समझौतों से अलग दोनों की दोस्ती से जो संदेश गया, वो क्षेत्रीय संतुलन को निर्णायक मोड़ देने वाला था। जिस देश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें सियासी नायक बनाया, उसके लिए सत्ता और सियासत के सरोकार बदलना मोदी का पहला एजेंडा बना। इसके एक पहलू में विकास का वादा था, तो दूसरे में क्षेत्रीय संतुलन को देश हित में साधना। ये मोदी ने अपने शपथ समारोह में सार्क नेताओं को बुलाकर जाहिर कर दिया था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि। उसके बाद जापान दौरे के चुनाव ने मोदी की राजनीतिक सूझबूझ का भी इशारा किया। तब तक मोदी को बुलावा अमेरिका से भी मिल चुका था, मगर मोदी ने पहले चुना जापान को, जो अमेरिका और चीन के साथ शक्ति संतुलन में कूटनीतिक अहमियत रखता है। वो जापान यात्रा की कामयाबी थी, जिसके बाद अमेरिका को भी मोदी का इंतजार बेसब्र होने लगा था। उस वक्त की सुर्खियों के मुताबिक राष्ट्रपति बराक ओबामा के निर्देश पर अमेरिकी एजेंसियां मोदी के हर भाषण, हर कूटनीतिक फैसले का बारीक विश्लेषण कर रही थी। खासकर मोदी की जापान यात्रा के बाद, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे। वो प्रधान
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला जन्मदिन था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली की बजाय सीधे अहमदाबाद पहुंचे। स्वागत करने खुद मोदी गए, तब जिनपिंग ने गले लगाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उस दौरे पर चीनी राष्ट्रपति ने बड़े निवेश के साथ लंबे समय से अटके सीमा विवाद और आपसी व्यापार बढ़ाने का भरोसा दिया। ये भरोसा और भी पुख्ता हुआ जब मोदी कुछ महीने बाद जिनपिंग के बुलावे पर चीन यात्रा पर गए। मोदी की कूटनीति में सीमा विवाद अपनी जगह है, मगर संबंधों में दोस्ताना अंदाज अपनी जगह। मोदी के इस अंदाज की एक मिसाल तो पाकिस्तान का अचानक दौरा बना। सऊदी अरब से वाया अफगानिस्तान लौटते हुए मोदी अचानक लाहौर पहुंच गए, तब किसी को भनक तक नहीं थी। काबुल में रहते हुए उनकी नवाज शरीफ से बात हुई। नातिन मेहरुन्निसा की शादी में आने का न्योता मिला, मोदी चल पड़े। मोदी का यह ऐसा कदम था जिसे दुनिया के मंच पर गुडविल जेस्चर के तौर पर देखा गया, मगर देश में विरोधियों ने सुर आलोचना के अपनाए। जो पाकिस्तान पूरे देश को अस्थिर करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था, उस देश की यात्रा संसद को सूचित किए बिना कैसे कर सकते हैं प्रधानमंत्री? मगर मोदी खामोश है, उतनी ही ताकत से जितनी सख्ती से वो पाकिस्तान को आईना दिखाते हैं। सरहद और उसके पार की साजिशें अब भी वही हैं, मगर प्रधानमंत्री मोदी इसे साधते अपने अंदाज में दिखते हैं। कहते हैं जिसकी शख्सियत जितनी बुलंद होती है उसका विरोध भी उतना ही तीखा होता है। नरेंद्र मोदी की कहानी की यही हकीकत है। आज की कहानी में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।